अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर हम बात करें सोवियत यूनियन 1991 से पहले एक बहुत ही बड़ा मुल्क था, यानी जिसका रोब पूरी दुनिया पे था। हालांकि 1991 के बाद जो सोवियत यूनियन है ये टूटकर 15 मुल्क बन गए, यानी इससे छोटे छोटे 15 मुल्क और भी निकल गए। अगर हम बात करें रशिया जो है ये एक बहुत ही बड़ा मुल्क है सोवियत यूनियन का, और बाकी जो मुल्क थे वो छोटे छोटे मुल्क थे। इन छोटे छोटे मुल्कों में एक मुल्क यूक्रेन भी शामिल है। यही वो मुल्क है जिसके साथ रूस की लड़ाई अभी भी चल रही है। इस लड़ाई की असल वजह क्या है? क्या ये जंग वर्ल्ड वार थर्ड की शक्ल ले सकता है? इसी पर बात होगी आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहोगे। अगर आपने अभी तक मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करना। चलो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर हम यूक्रेन को मैप पर देखें तो हमें पता चलता है यूक्रेन के एक तरफ रूस और ज्यादातर जो इसका बॉर्डर है वो यूरोपियन ममालिक के साथ मिलता है। असल में रूस जो है वो इस पर कब्जा करना चाहता है। इसकी असल वजह है यूक्रेन में बहुत ही ज्यादा नेचुरल गैस पाई जाती है। रूस को लगता है कि जो यूरोपियन कंट्री है वो इस गैस पर कब्जा कर लेगी। हालांकि अगर हम बात करें, रूस ने यूक्रेन की एक जगह जिसका नाम है क्रीमिया, यहां पर 2014 में कब्जा किया, यानी ये हिस्सा इन्होंने इनका ऑलरेडी 2014 में खा लिया। दोस्तों, इस लड़ाई में तेजी तब हुई जब यूक्रेन के बारे में ये कहा गया कि ये आने वाले टाइम में नेटो में शामिल होने जा रहा है। क्योंकि अगर हम नेटो की बात करें, ये 30 मुल्कों से बना एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इन 30 मुल्कों में अगर एक मुल्क पर भी कोई हमला करे तो ये सारे मुल्क इस मुल्क पर हमला करेंगे। इसलिए रूस को लगा कि अगर ये इसमें शामिल हुआ तो हम कभी भी इस पर कब्जा नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर हम अभी की बात करें, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर ही लिया, और इस हमले में अब तक 40 यूक्रेन के फौजी मारे गए, और ये भी पता चला है कि कुछ सिविलियंस भी इसमें मारे गए। और रूस ने कुछ इलाके जो यूक्रेन और रूस के बॉर्डर के साथ थे इन पर कब्जा भी कर लिया। हालांकि यूक्रेन कमज़ोर मुल्क नहीं है, मगर रूस के सामने कमज़ोर ही है, और यूक्रेन फिर भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब ये देखना है आखिर कौन से ममालिक यूक्रेन को इस जंग में साथ देंगे। दोस्तों, अगर हम अमेरिका की बात करें, इन्होंने यूक्रेन में कुछ B-52 बॉम्बर जहाज भेज दिए, यानी अमेरिका खुल के यूक्रेन के सपोर्ट में है, और भी बहुत सारे नेटो में शामिल जो ममालिक हैं वो भी यूक्रेन के सपोर्ट में है। अब देखना ये है क्या ये जंग वर्ल्ड वार थर्ड में तब्दील होगा कि नहीं, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पर ये बात याद रखना है, सिर्फ एटम बम की वजह से दुनिया अभी चुप है, क्योंकि वर्ल्ड वार थर्ड हो गया तो इसके बाद दुनिया में इंसानियत का नामोनिशान नहीं बचेगा। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा क्या ये जंग वर्ल्ड वार थर्ड की तरफ हमें लेके जाएगा कि नहीं। यूक्रेन में और आगे क्या होगा, इसके वीडियोस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको जो मेरी ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, करते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।